Anasuran, Vishnu at exit in Vedic times. He plays an important part of as divine hero teacher in Mahabharata epic, where he is identified as supreme god. Vishnu जो है Vedic time में exist यानी exist करते थे, वो एक important role play करते थे as a divine hero, यानी महाभारत में as a super hero या as a teacher के तौर पर वो एक role play करते थे, या important मतलब उस्ताद कहा जा सकता है उस time पे महाभारत के थे. वे ही आइडेंटिफाइड, फिर वहाँ से उनकी शनाख्त हुई कि उन्हें जो है वो लोग अपना खुदा यानी सुप्रीम गॉड यानी सबसे बड़ा जो है वो देवता मानते थे. इन भगवद गीता में परहप्स द मोस्ट वाइडली रीड बुक इन पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा जो बुक है भगवद्गीता वो इंडिया में जो है वो पढ़ी जाती है. विष्णु इज़ आइडेंटिफाइड विद कृष्णा, और विष्णु को जो शनाख्त मिली वो कृष्णा यानी कृष्णा से, कृष्णा की. क्लासिकल हिंदू फिलोसफी इवॉल्व्ड अबाउट 2nd century BC टू द 6th AD. महाभारत इज अ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री विच टेल्स अ स्ट्रगल ऑफ लाइफ. महाभारत जो है कहानी बताई गई है द पोइट्री शायरी की सूरत में, जो ये बताता है किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल ओवर लैंड राइट बिटवीन फैमिलीज एंड हैज बिकम द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सिंगल पोएम एपिक. तो बच्चों इसमें बताया गया है कि महाभारत यानी शायरी की शक्ल में एक कहानी है जो ख़ानदानों की माबीनी यानी ज़मीनी हकूक़ के लिए अपनी जद्दोजहद सुनाती है और दुनिया की तवील तरीन वाहिद नज़म बन चुकी है. टॉपिक इज़ वार एंड पीस. डेरियस द ग्रेट वॉज डिफीटेड बाई ग्रीक इन मराथन 490 BC. डेरियस अटैक वॉज रिपल्ड डिसेसफुली इन द हिस्टोरिक बैटल. Then Alexander defeated Darius III in battle 334-331 BC and almost destroyed the Persian Empire. However, he failed to unite the Greeks and Persian. His own generals revolted against him. तो बच्चों Darius जो एक वो एक बहुत ही great थे, वो किससे हारे थे? वो ग्रीक से हारे थे मराठन में जो 490 BC उस वक्त. Darius अटैक वॉज रिपल्ड डिसेसफुली, बहुत बुरी तरह यानी वो हारे थे इन दिस हिस्टोरिक बैटल. द अलेक्सेंडर डिफीटेड डेरियस, पे अलेक्सेंडर ने डेरियस को हराया था 334-331 BC में. तकरीबन उन्हें उनका पूरा जो है पर्शियन जो एम्पायर था तबाह बर्बाद कर दिया था. हाउ एवर ही फेल्ड टू यूनाइट द ग्रीक्स एंड पर्शियन. तकरीबन जो है हाउ एवर यानी वो फेल हो चुके थे ग्रीक्स और पर्शियन को एक साथ करने में यानी यूनाइट करने में. हिज ओन जनरल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट, जो अपने जनरल्स थे वो खुद उनके अगेंस्ट जो है वो हो गए थे. ड्यूरिंग द 6th century BC ऑर्डिनरी पीपल फेल्ट डिफ़िकल्ट टू फॉलो. जो 6th century के जो लोग थे, ऑर्डिनरी जो लोग थे, उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होती थी हिंदुज़म के यानी प्रिस्टली रूटल्स होंगे जो रिवाज वगैरह थे, पाजरों के जो रिवाज वगैरह होते हैं उनको मुश्किल हो रही थी इसको फॉलो करने में यानी उन पर अमल करने में. तो एक नया मज़हब जो था, न्यू मज़हब रिलीजन को इमर्ज कर गया था, जिसका उन्होंने नाम दिया था जैनिज़्म और बुद्धिज़्म.